जोड़ो यात्रा बिहार चैप्टर के अंतर्गत बिहार कांग्रेस के द्वारा बांका से शुरू हुई यात्रा भागलपुर पहुंची, जहां हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक हाथ में तिरंगा झंडा और कांग्रेस के झंडा को लेकर आगे बढ़ते चले और लोगों से देश बदलने की अपील करते दिखे। यह यात्रा भागलपुर से खगड़िया की ओर आगे बढ़ेगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो, इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी भक्त चरण दास और बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने संबोधित किया, जिसमें कई बिंदुओं पर कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की बिहार में शुरुआत की गई है, जबकि बढ़ती महंगाई सहित कई मुद्दों पर भी नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं बिहार प्रभारी ने कहा कि वोट बैंक और सत्ता बचाने को लेकर सत्ताधारी दल की ओर से देश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए लोगों को एकजुट रखने के लिए यह यात्रा निकाली गई है और इसमें आम लोगों का भी सहयोग मिल रहा है। इसके अलावा भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों में जातिगत दरार डालने का काम कर रही है, जिससे अपना देश टुकड़ों में बट जाएगा और इसी से भारत को बचाने के लिए यह यात्रा निकाली गई है, जबकि महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी यह यात्रा काफी सफल साबित होगी। हम लोग 50 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा, आज यात्रा का चौथा दिन है। हम इस इलाके के आंध्र प्रदेश में रहने वाले बांका जिला और भागलपुर जिला दोनों कांग्रेस कमेटी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बिना थके हुए इस यात्रा को संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हम आप प्रेस के मित्रों का भी उतना ही धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सभी अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने हम लोगों की इस यात्रा को उचित स्थान दिया। भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के बुढ़ानाथ स्थित केनरा बैंक के एटीएम से लाखों रुपए गायब हो गए। बताया जा रहा है कि एटीएम खराबी की शिकायत मिलने पर राइटर एजेंसी की एफसी टीम पटना से जांच पड़ताल करने भागलपुर पहुंची। एफसी टीम के अधिकारियों द्वारा एटीएम में रुपए डालने वाले एजेंसी के दो कर्मी पर पैसे गायब करने का शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं इस मामले की जानकारी एजेंसी के सुपरवाइजर सुधांशु कुमार ने सिटी डीएसपी अजय चौधरी और जोगसर पुलिस को दी। इधर मामले की सूचना मिलते ही आदमपुर पुलिस छानबीन करने पहुंची। पुलिस द्वारा एजेंसी के दो कर्मचारी को इस मामले पर संदिग्ध माना जा रहा है, जिससे पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कैश डालने का काम करती है अपने क्लाइंट बैंक का, उसमें कैनरा बैंक का एटीएम से 8,98,300 रुपया का गमन हो गया। अब गमन हमारा इम्प्लाय किया कि कोई थर्ड पार्टी किया, उसके लिए हम लोग जोगसर थाना पुलिस स्टेशन में अभी गए हुए हैं। वहाँ के रंजीत जी ओसी हैं, उन्होंने बोला कि आप थोड़ा डीएसपी साहब के नॉलेज में डाल दीजिए और तब आइए। तो हम लोग यहाँ डीएसपी साहब से मिलने के लिए अभी इनको रिक्वेस्ट किए हैं, अभी मिल के इनको सारी बात बताएंगे। ये जांच का विषय है, अब किसी को हम लोग चोर नहीं कर सकते हैं कि हमारा एम्प्लॉय चोरी किया है या कोई पब्लिक चोरी किया, जो भी किया तो जाँच में पता चलेगा कि क्या है। मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर का बाजार तिलकुट से गुलजार हो गया है, जिसको लेकर शहरवासी भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तिलकुट की सौंधी सुगंध जहां लोगों को अपनी ओर लुभा रही है, वहीं मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। गुड़, शक्कर और चीनी से बने तिलकुट और तिल के लड्डू लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। कारीगर दिन रात तिलकुट तैयार करने में जुटे हुए हैं, जबकि बाजारों में चीनी, गुड़, खोआ सहित कई प्रकार के तिलकुट उपलब्ध हैं। हालांकि लोगों को गुड़ का तिलकुट अधिक पसंद आ रहा है। लोग दूर दराज से तिलकुट खरीदने के लिए भागलपुर के बाजार पहुंच रहे हैं। इधर काफ़ी ठंड होने के कारण कम बिक्री होने से दुकानदारों में निराशा भी देखी जा रही है। जबकि बात अगर पिछले साल की करें तो इस बार तिलकुट का बाजार पहले से अच्छा दिखाई दे रहा है और मकर संक्रांति नज़दीक आते ही बिक्री बढ़ने की संभावना है। एक और जहाँ मुख्य बाजार और सुजागंज बाजार में तिलकुट का दुकान सज गया है, वहीं तिलकामांझी, भिकनपुर, मिर्जान हाट, घंटाघर समेत अलग अलग इलाकों के चौक चौराहों के पास भी तिलकुट का बाजार गुलजार दिखाई दे रहा है। अभी 5-6 तरह का तिलकुट उपलब्ध है दुकान में। चीनी का तिलकुट है, गुड़ का तिलकुट है, गुड़ की पापड़ी आएगी, चीनी की पापड़ी और एक खोवा तिलकुट स्पेशल वाला।
खासतर तिलकुट मीठा कम रहना चाहिए, लोगों का पसंद है ये, शुगर पेशेंट ज़्यादा हैं इसलिए लोग गुड़ का तिलकुट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पिछले तो 14 तारीख को पता चले सर, 10 तारीख के बाद सर, अभी तो जिस तरह जा रहा खा रहा आदमी आराम से लेके। तो बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री ठीक ठाक हो रहा है, मजदूरी निकल जा रहा है सबका। श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर की ओर से रविवार को भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक दिवसीय एलएफ प्रशिक्षण सह ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विभाग के सहायक निदेशक भरत जी राम, ट्रिपल आईटी के डॉक्टर गौरव कुमार समेत कई अतिथियों और कुशल युवा केंद्र के संचालक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सहायक निदेशक भरत राम ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय अंतर्गत जिले में चल रहे कौशल विकास केंद्र में कार्यरत एलएफ की गुणवत्ता में सुधार के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिले के अलग अलग जगहों से आए कौशल विकास केंद्र के संचालक और प्रतिनिधि को जरूरी जानकारी दी जा रही है। वहीं ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ट्रिपल आईटी के शिक्षकों द्वारा तकनीकी जानकारी दी गई। इसके अलावा भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कुशल युवा केंद्र के माध्यम से युवाओं और छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी कई अहम जानकारी दी गई। सहायक निदेशक भरत जी राम ने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम को ब्रांड बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की शुरुआत पहली बार भागलपुर में ही की गई है, जिससे कौशल संवर्धन हो सके और युवा आत्मनिर्भर बनाने के साथ रोजगार प्राप्त कर सके। इस दौरान सभी प्रशिक्षकों को 6 टॉपिक के तहत ट्रेनिंग दी गई, जिससे वे सभी अपने अपने कुशल युवा केंद्रों में युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दे सके और उन्हें समय की मांग के अनुसार रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इससे पूर्व कार्यक्रम में अधिकारियों के साथ मौजूद सभी लोगों ने देश के सम्मान में राष्ट्रीय गान गाकर कुशल भारत बनाने का संकल्प लिया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिले के 100 से अधिक केंद्र संचालक एवं प्रशिक्षक ने हिस्सा लिया। कुशल युवा कार्यक्रम को एक ब्रांड बनाने के लिए और उसमें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के लिए एलएफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम है आज, और जितना भी हमारा कुशल युवा केंद्र है यहाँ पर, वहाँ के एलएफ प्रत्येक केंद्र के दो दो एलएफ यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से उनमें एक लाइफ स्किल्स और डिफरेंट टाइप्स के जो स्किल्स हैं उसके बारे में ओरिएंट किया जाए, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई ऊर्जा का संचार हो और युवाओं को जो कौशल संवर्धन का जो पहल है सरकार का उसको हम लोग पूरा करेंगे। और इस तरह का ये जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल नव परिवर्तन है, एक नई पहल है और ये श्रम संसाधन विभाग के साथ साथ यहाँ के जितने भी केंद्र संचालक हैं उनके उत्साह के कारण ये हो रहा है और मैं चाहूँगा कि इसकी प्रवृत्ति और जारी रहेगी और हम लोग आगे चलेंगे, ताकि कौशल संवर्धन हो और हमारे जो एलएफ हैं उनका एक रिकॉग्निशन हो और वो लोग नई ऊर्जा के साथ इस जो सरकार का गौरव और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है उसमें और हम लोग आगे बढ़ेंगे।
भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम सनहोली में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मुखिया मरकूब की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु समेत कई राजद नेताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु का राजद नेताओं द्वारा स्वागत किया गया, जबकि जनप्रतिनिधियों द्वारा चक्रपाणी हिमांशु को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। साथ ही किसानों ने उनके समक्ष अपनी समस्या रखी। किसानों ने कहा कि लगभग 11-12 साल बीतने को है, लेकिन किसानों का जो जमीन भू अर्जन में गया है उसका मुआवजा सरकार द्वारा देने की बात की गई थी, लेकिन अब तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। साथ ही किसानों ने कहा कि कोलुहा नदी में जो पहले पुल था उसके टूट जाने से उन लोगों को खेती किसानी करने में काफी कठिनाई होती है। इधर बिहार बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने सभी कार्यकर्ताओं को आदेश देते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता पंचायत अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष के साथ मिलकर सभी वर्ग के लोगों को जोड़े, जिससे आने वाले समय में दिल्ली से लेकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। मौके पर प्रदेश महासचिव राविया खातून, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, खुटाहा मुखिया देवेंद्र यादव, गोपाल यादव समेत कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल का बैठक सनौली पंचायत के मुखिया मरघू साहब के नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल का किया गया। इसमें संगठन से का मुख्य उद्देश्य ये था, राष्ट्रीय जनता दल ने ये संकल्प लिया है कि सरकार की योजनाओं को हम लोग गाँव-गाँव तक पहुँचाना है और जो भी समस्या क्षेत्र के है उसको समाधान करना है, और राष्ट्रीय जनता दल को विचारों को हम लोग गाँव-गाँव ले जाना है, लोगों को जोड़ना है और लोगों को समाज में नफरत का जो एक सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा नफरत फैलाने का जो एक साजिश रचा जा रहा है उनके खिलाफ में हम लोग को शंखनाद करना है। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में रविवार को भागलपुर रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच की ओर से सम्मान समारोह से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बीते दिनों भागलपुर में आयोजित हुए रंग महोत्सव 2022 के आयोजन समिति के द्वारा लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्थानीय प्रतिभागी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर महेश राय ने की। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। एकल लोक नृत्य बाल वर्ग में आद्या राजहंस को और किशोर वर्ग में आर्य रोली को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जबकि समूह लोक नृत्य के बाल वर्ग में डीएवी पब्लिक स्कूल सुल्तानगंज को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। समूह लोक नृत्य किशोर वर्ग में शाहकुंड के माउंट जीवन अकेडमी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही एकल शास्त्रीय नृत्य बाल वर्ग और वयस्क वर्ग के अलावा समूह शास्त्रीय नृत्य और अन्य विधाओं में भी बेहतर प्रदर्शन करने को सम्मानित किया गया। वहीं समीक्षा बैठक में कोषाध्यक्ष निर्भय कुमार सिंह ने आईबीआई का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और कहा कि 2022 का रंग महोत्सव पूरी तरह सफल रहा, जो अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला रंग कर्म एवं राष्ट्रीय एकता को समर्पित था। मौके पर कपिल देव रंग, अरविंद आनंद, विनय कुमार, तरुण घोष सहित काफी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे।